नीचे। पता क्या, जब से शादी हुई ना, हे भगवान, मतलब हेली के कपड़े, बोला हेली प्लीज सूट रख दिए मेरे क्लासमेट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, शादी से पहले मेरे फ्रेंड्स आते थे, भाई सब ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली 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 मेरे रूम टूर का व्लॉग आ गया है। मैंने आपको बताया था कि जब 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम होम टूर करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। मैंने और हेली ने जब YouTube चैनल शुरू किया था तो हमने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी आप सबका प्यार मिलेगा हमें। तो हम ऐसे ही थे पहले कि YouTube पे व्लॉग शुरू करें नहीं करें, पता नहीं कैसा होगा, मतलब आपको भी पता है बहुत सारे क्वेश्चन आते दिमाग में, पर फिर बाद में हमने सोचा व्हाई नॉट। और कुछ व्लॉग्स में आपको पता है कि हेली मेरे साथ नहीं है, लेकिन हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि हम आपको साथ में बैठ के बताएंगे कि क्यों क्या, जितने भी शायद आपके क्वेश्चंस होंगे क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले व्लॉग्स बना रही हूँ, लेकिन वो व्लॉग भी बहुत जल्दी आ जाएगा। होम टूर एक बारी में करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते। सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी एक बार फिर से, थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मेरा रूम एक्चुअल में घर के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है, जिसे हम लोकल में ताला बोलते हैं या चुल्ली भी बोलते हैं, बुरुआ में यहाँ तो चुल्ली बोलते हैं। तो ये जगह जो होती है जहाँ पर मंदिर होता है, देवता होते हैं, और ये जगह बहुत ऐसे बड़ी नहीं होती, लेकिन पापा ने ये घर इतना बड़ा बना दिया है कि ये जो ताला है ये बहुत बड़ा बन गया, और इसमें 3 रूम्स बन गए हैं और साथ में एक मंदिर। जब यहाँ पे रूम बना रहे थे तो मैं और भैया से लड़ रहे थे आपस में कि ये रूम किसका होगा किसका होगा, तो मैं ही जीत गई क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम नहीं हो सकता क्योंकि देवता जी यहाँ होते हैं, तो वॉशरूम नहीं। तो फिर मैं थी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं नीचे आ जाऊंगी जितनी बार वॉशरूम जाना होगा। तो फिर यहाँ पर 3 कमरे हैं, तो मैं आपको लेके जाती हूँ। मेरा रूम सबसे लास्ट वाला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगी क्योंकि तीनों कमरों में आधा से ज्यादा मेरा सामान ही है, तो मैं आपको यहीं से टूर करवाती हूँ, चलो चलते हैं। और पहले ये वाला देखो, ये वाला जो है ये देवता के कार्ज में बनाते हैं और इसको बोलते हैं गुड़ी बनाना। तो ये ज्यादातर मेरी छोटी बुआ है जो गांव में शादी हुई, तो वो आके बनाते हैं दिवाली में जो लगाते हैं। तो ये पहला कमरा है ताले का, और यहाँ पर ज्यादातर स्पोर्ट्स के सामान रखे हैं, जो देख सकते हैं यहाँ पर सब स्कीज स्पोर्ट्स का सामान है, स्कीज, यहाँ पर हेलमेट्स वगैरह रखे हैं ट्रैकिंग के, साइकिलिंग के, और इन अलमारियों में भी सब पैराग्लाइडिंग का सामान है। और यहाँ पे मेरा पेंटिंग वाला स्टैंड है जो कि मैंने अब बड़े टाइम से नहीं की है, ये 2014 में मैंने पेंटिंग की थी, भैया ने जब ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था तो मैंने उसको बनाने की कोशिश की थी, तो सोची में था वो ओलंपिक्स, तो सोची 2014। ये वाला आधा टुकड़ा है एक्चुअल में, मतलब इसके एक्चुअल में 3 और पेंटिंग्स है, वो नीचे है मम्मी के रूम में, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। दादाजी ने ये बक्सा बनाया था पुराने जमाने का, आपने देखा होगा, बहुत सिंपल सा है, जो इसमें भी मम्मी ने सामान रखा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर मम्मी के पट्टू के सामान है, पट्टू बनाने के ऐसे ऐसी चीजें रखी हुई है, और ये चील के वो पाइन नीडल्स ये मम्मी ने ला के रखे हैं, तंदूर के आसपास जो भी होते हैं गार छार वो सब केवल रस्ते में बारने में। फोन मीनाक्षी भाभी ने पकड़ा हुआ, अभी मीनाक्षी भाभी हेलो तो बोलो, हेलो घुमा के नहीं आज मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, थोड़ी सी मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान है, और ये मम्मी की वो है नेटिंग मशीन, हाँ नेटिंग मशीन, ये एक्सटेंशन वगैरह रखी है, सब स्पोर्ट्स वाला सामान, और यहाँ पे योगा मैट, और ये जो स्पीड हर्डल्स वगैरह ये सब मैंने यहाँ रखे, और इन अलमारी में भी मैंने अपना सामान रखा हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स वाले कपड़े, जिम के कपड़े, और यहाँ पर बाकी स्पोर्ट्स के जैसे स्केटिंग वगैरह करने के पैड्स वगैरह सब यहाँ पे रखती, ग्लव्स एक्स्ट्रा वो सब मैंने अलमारी में रखती है। और है मेरे कैजुअल जो अपर जिपर्स और जॉगिंग वगैरह रनिंग के जैकेट्स एंड जिपर्स, और यहाँ क्या था, हाँ यहाँ पे छोटे छोटे बैग्स रख दिए, पिट्ठू बैग्स, और ये वाला दरवाजा खुफिया दरवाजा जो दिखता नहीं किसी को, यहाँ पे टंकियां हैं पानी की। अब चलते हैं हम अगले रूम में, और उसमें भी ढेर सारा सामान है, तो आइए
तो ये है रूम बेसिकली मेरे, मैं बोलूँ मेरे फ्रेंड्स का कमरा, क्योंकि जब भी मेरे फ्रेंड जाते हैं तो वो यहीं सोते हैं। तो इन अलमारी में भी मेरे कपड़े हैं और वहाँ आप देख सकते हैं फिर स्पोर्ट्स का सामान है, हेलमेट वगैरह है। ये देखो मेरे स्केट्स तरफ देखिए, इधर भी हेलमेट्स रखे हुए हैं और पैराग्लाइडर्स है ये सारे। और एक्चुअली ये पैराग्लाइडर्स और जितना भी यहाँ आपको सामान दिख रहा है ना, पहले यहाँ भी देख लो इतना सारा सामान है ना। एक्चुअली क्या था कि पहले ये सब सामान हमारे ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर के अलमारियों में होता था, लेकिन फिर अब वो किराएदार रह रहे हैं वहाँ दोनों फ्लोर में, तो फिर सारा सामान यहाँ आ गया। मेरा ग्लाइडर भी है ये वाला और वहाँ पे पूजा रूम है, तो उसी चीज देख लीजिए। तो ये मैट मैंने बनाई थी धागों से, जब लॉकडाउन था तो सब बेले थे, तो फिर मैंने धागों से करके धागों से ऐसे छोटी छोटी बनाई थी मैट, जैसे ये वाली मैट है ना, ये वैसी मैट है। तो मैंने उसमें छेद कर करके फिर वो धागे की छोटी छोटी कुश्तियां बोलते ना हम उनको, तो उससे बनाए थे। और ये है मेरी स्कीइंग की अलमारी, जहाँ पर मेरे स्कीइंग के कपड़े है, यहाँ पर मेरे इंडिया के जैकेट्स है सब, मतलब सारे नहीं अभी यहाँ पर थोड़े, क्योंकि आज भी मैं स्कीइंग कर रही थी तो फिर आगे जैकेट्स कुछ धोने को है। बाकी यहाँ पे है मेरा हेलमेट, ग्लव्स, स्की पैंट्स मैंने यहाँ रखी है, और बाकी स्कीइंग का सामान, टोपी, मफलर, बफ्स, और ये हमारे रेस सूट जो होते हैं, और बाकी कुछ इक्विपमेंट्स जो हमारे प्रोटेक्टर्स होते हैं वो सब मैंने यहाँ रखे, और कुछ लंबे लंबे कोट्स मुझे यहाँ रखने पड़ते हैं क्योंकि ये बाकी अलमारियों में नहीं आते, क्योंकि ताला होने के कारण यहाँ पर ना सारी अलमारी ऐसे छोटी छोटी बनाई है। ये तो मैंने बाद में बनाने को बोला कि एक अलमारी लंबी सी बना दो जहाँ पर लंबी चीजें भी आ जाए, लेकिन फिर ये ऐसे सी थ्रू वाली बनाई थी, तो मुझे ये सबसे इम्पोर्टेंट जैसी अलमारी लगती है इस पूरे फ्लोर की, तो मैंने अपने स्कीइंग के सामान यहाँ रख दिया सब। तो चलिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की फोटो है 2013 की, और ये फोटोशूट मेरा रोहतांग में हुआ था, आरबी स्नैपर पे जिनका पेज का नाम है, तो उन्होंने फोटोशूट किया था, तो बहुत ही सही पिक्चर्स लेते हैं सच में। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे बहुत शौक है, और मुझे दारू पीने का शौक है। ये एक्चुअल में हमारे जो पहले वाले किराएदार थे ना, उनका सामान रह गया था यहाँ पर, मुझे ये ऐसे दिखने में बहुत क्यूट सा यूनिक सा है ना, अच्छा सा यूनिक सा है, तो फिर मैंने ये यहाँ पे मैंने अपने गर्म कपड़े रखे हैं, स्वेटर्स वगैरह जो भी, और यहाँ कुछ कैजुअल जैकेट्स है जो मैंने यहाँ रखी है, और ये मेरे यहाँ पर फॉर्मल कपड़े है, तो फॉर्मल कोट्स जो कि थोड़े हाइट में भी कुछ एक कोट्स जो इस अलमारी में फिट हो सकते हैं वो सब मैंने यहाँ रखे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे टीम इंडिया के कोट्स, ये गर्म वाले हैं आप देख सकते हैं, ये वुलन में है, और जो गर्मियों में हमने कहीं पहने होते हैं वो दूसरे कपड़े के, वो नीचे वाले अलमारी में। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने स्कूल टाइम की यूनिफॉर्म्स भी संभाल के रखी हुई है। एक्चुअली मैं पहले सिक्स क्लास तक गांव में ही पढ़ी हूँ, पर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है तो वहाँ पढ़ी हूँ, काश मैंने वहाँ की यूनिफॉर्म भी संभाल के रखी होती, लेकिन उस टाइम पे था ही नहीं ऐसा, समझ ही नहीं थी कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं KVS गई कुल्लू, तो मैं वहाँ हॉस्टल में थी 5 साल, वहाँ की यूनिफॉर्म रखी, और ये मुझे सच में बहुत ही सुंदर यूनिफॉर्म लगती है, और इसमें मैंने टाई भी रखी है, देखो स्टैम्प ऑफ भी होता था हाँ लेकिन स्कूल में करने देते थे पफ सच में, और एक पफ नहीं कर रहे थे तो एक नाखूनी लंबी चोट, और ये बेल्ट भी है देखो KVS की, और मैंने यहाँ तक कि मैंने सॉक्स और उसके बाद मैंने प्लस टू तक KVS में पढ़ाई की, लेकिन क्या हुआ कि जब मेरे प्लस टू के बोर्ड्स के एग्जाम थे उस समय मेरे नेशनल चैंपियनशिप्स भी थे उत्तराखंड में थी, तो मुझे पापा ने बोला कि चॉइस इज योर्स, आपने अगर बोर्ड्स के एग्जाम देने हैं तो आपको नेशनल्स छोड़ने पड़ेंगे, अगर नेशनल्स खेलने हैं तो बोर्ड्स के एग्जाम छोड़ने पड़ेंगे, मतलब रिपीट करना पड़ेगा प्लस टू। मैंने बोला ठीक है मैं रिपीट कर लूंगी, तो मैं कोई नहीं मैं तैयार हूँ, तो फिर मैंने फिर से प्लस टू पढ़ी, लेकिन मैंने लिया दूसरे स्कूल में एडमिशन, तो वो है भारत भारती स्कूल जो कुल्लू में ही है, तो मैंने उसकी यूनिफॉर्म भी संभाल के रखी है, तो ये उसकी शर्ट है, स्कर्ट है, और टाई बैच भी इसमें, और ये बेल्ट, और इसकी सॉक्स भी थी, ये देखो मैंने सॉक्स भी संभाल के रखी है। तो अब बारी आ रही है मेरे रूम की फाइनली, वैसे थोड़ा बहुत आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, कभी स्टोरी में कभी किस में, तो चलिए अब आपका क्या बोलते हैं उसको, अब आपका वेट खत्म हो चुका है, चलिए
मैं क्यों ऐसे एक्साइटेड हूँ, जैसे मैं भी पहली बार यार रूम टूर ऐसे होता है, सब लोग मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कैसा होगा। आपको पता है क्या, मेरे को पहले ब्लॉगिंग के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो जब मीनाक्षी भाभी आए इस घर में तो तब मुझे पता चला कि लोग इतने ज्यादा लोग ब्लॉगिंग करते हैं और देखना भी पसंद करते हैं एक्चुअल में, तो तब एक तरह से मैं बोल सकती हूँ मैं इनसे ही इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू मीनाक्षी भाभी सो मच, क्योंकि हम 24 घंटे यही देख रहे थे। मैं समझ सकती हूँ कि जो ये वाला है ना जो रूम टूर, क्योंकि हम भी एक्साइटेड हो, कोई दिखा रहा हो तो कैसा होगा, क्या होगा, अब क्या होगा, तो मतलब इंटरेस्टेड हूँ। ज्यादा बात ना करते हुए वेलकम। तो चलिए अब शुरू करते हैं रूम टूर, एक्चुअल वाला रूम, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो ये है एक्चुअली, यहाँ पे पहले मिरर नहीं था तो ये भी मैंने बाद में लगवाया है कि वो भी जगह यहाँ कम थी, बहुत कम, तो फिर ये पतला सा बना, लेकिन शुक्र है मतलब मुझे पूरा, अगर मैं कुछ आउटफिट पहन रही तो वो मुझे पूरा दिख जाता है। और ये मुझे कुछ ना कुछ बनाने का शौक रहता है तो मैंने ये बनाया था, इसमें मैंने लाइटें डाल दी है, एक्चुअली धागे से बनाया है, धागे को बलून के बाहर से ऐसे राउंड करके फेविकॉल डाल के उसमें तो तब करके बनाया था, और इसमें मैंने लाइटें डाली हुई। रात में अच्छा लगता है ना? हाँ रात में अच्छा लगता है। पेंटिंग्स पे आती हूँ, तो ये मैंने बनाई थी जब मैं केवीएस में थी, मतलब हॉस्टल में। अब मुझे ध्यान आ रहा है, तो रिंग्स मतलब सोलन में छोड़ के आ गई मैं रिंग्स अपने पिल्लो के नीचे, अभी देखा मैंने अपना हाथ। तो चलिए, तो ये मैंने तब बनाई थी, और ये भी मैंने केवीएस में बनाई है हॉस्टल में बैठ के, एक लड़की बुक पढ़ रही है इसमें खिड़की पे बैठ के, और यहाँ पे लैंप भी है देखो, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इसका बिल्कुल थीम था। और ये मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की है, कल्याणी, अगर आप इस व्लॉग को देख रहे हैं तो ये उसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, वो भी मेरे साथ केवीएस में पढ़ती थी, हम दोनों बोर्डिंग में साथ थे। फिर ये मुझे बर्थडे गिफ्ट, ज्यादातर इस रूम में आपको बर्थडे गिफ्ट ही दिखेंगे, और इसका एक हाथ टूट गया है। और फिर ये है मेरा बहुत इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ, इसमें आपको मैं दिख रही हूँ, ये एक्चुअल में 2012 में यूथ विंटर ओलंपिक्स में जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, ये की फोटो है ओपनिंग सेरेमनी की। और उसके बाद ये देखो मैंने क्या बनाया है, ये मैंने मैंने देखा था शायद ये कहीं फोटो ना, तो दिया रखने के लिए दिवाली में, तो यहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति है रखी मैंने इस पेड़ के नीचे। एक्चुअली ये पेड़ भी मुझे लगता है मैंने जब ये रूम नया नया बना था ना तब बनाया है, कोई इसको 8-10 साल हो गई होंगी अब, तो इसमें ऐसे कॉटन कुटन लगा के, इसमें छोटे मोटी ऐसे कलरफुल चीजें लगा के तब मैंने ये बनाया था। ये भी फोटोशूट आरबी स्नैपर ने जो रोहतांग में फोटोशूट किया था वहाँ की पिक्चर है, और ये भी बर्थडे गिफ्ट है, ये भी मैंने देखो दिया रखने के लिए पत्थर का बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसे नेचुरल चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो आपको लग रहा है भोलेनाथ जी का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, और ऊपर इसमें गंगा मैया भी है, गंगा मैया अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे लगता है शायद मैं और अच्छा बना सकती थी इसको, गंगा मैया। उस टाइम पे तो मैंने इतना ही छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं कंप्लीट करूंगी अच्छे से, थोड़ा इसको ग्रूमिंग। ये है ब्रिगु लेक, हम गए थे ट्रैक पे, वहाँ की पिक्चर है, बीच में पांडुरोपा जगाती वहाँ पे कैंपिंग करते वहाँ पे। और ये जब हमको परशुराम अवार्ड मिला था 2019 में। और ये देखो स्की करते हुए गुलाबा एक जगह है, वहाँ पे स्की करने गए थे। ये मैं हूँ, ये सोनिया दीदी है, ये वर्षा दीदी है, ये दोनों मेरी कजिन है, बुआ की बेटी। ये फ्रेम भी मैंने बनाई थी पता नहीं किस भले जमाने में, ये जो सीडी नहीं होती है डीवीडी है ना, डीवीडी को गर्म पानी में रख के फिर वो सॉफ्ट हो जाती थोड़ी, फिर उसको कैंची से काट के फिर मैंने ये फ्रेम बनाई थी। और ये तो अभी का है, खेलो इंडिया से जब हम आए थे,
और ये भी एक ओली की एक यादगार पिक्चर है, इसमें मैं खुद को मैं नहीं रखती हूँ। ये मैंने बनाया था पत्थर का लॉकडाउन, नहीं ये मैंने पहले बनाया शायद, पत्थर है ना वो टूट गए यहाँ से साइड से, तो ये कुछ रखने के लिए इसमें नेल पेंट जो था चमकीला देखो स्टार वाला वो सब मैंने इसमें लगाया था। ये हमारा शादी का कार्ड मैं दिखाती हूँ आपको, विद नील आले एंड हेली हमारा शादी का कार्ड। इसमें एक्चुअली दो तरह के थे, कुछ एक में ये वाला ट्रांसल्यूसेंट सा था जिसे बटर पेपर भी बोलते हैं उसके ऊपर था कैलेंडर, और ये प्लास्टिक वाला कैलेंडर है। फिर ये बाकी जो भी होता है शायद तो यहाँ पे रखे मैंने टॉप्स टी शर्ट और अपनी पैंट्स। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये ऐसे तय करके रखे हुए हैं, मैं शादी आप ही बता दूं। मैं एक चीज क्लियर करूंगी, जो इनकी चादर भी होती है ना ये वाली, ये तक हिली नहीं होती उठने के बाद भी, मतलब इतना क्लियर होता है। तो मेरी आदत है अगर जैसे मैंने कपड़े पहन के जल्दी जल्दी होता है कभी जल्दी जल्दी जाना तो फोल्ड करने का टाइम नहीं होता, चाहे वो ऐसे पड़े रहे साइड में लेकिन वो बिना फोल्ड हुए अलमारी में नहीं जाएंगे। पता क्या जब से शादी हुई ना हे भगवान, मतलब हेली के कपड़े ऐसे होते हैं, मतलब वहां पर जो वॉक इन क्लोजेट है तो कुछ अलमारियों में ऐसा है, कुछ अलमारियों मतलब पल्ला नहीं है, कवर नहीं है बाहर से, तो पहले हेली के कपड़े होते थे जिसमें कवर नहीं है बाहर से, तो वहां ऐसे होते थे उथले पुथले हुए कपड़े। फिर बाद में मैंने बोला हेली प्लीज मैं रखती हूँ यहाँ जिसमें कवर नहीं है क्योंकि मेरे को पता है मेरे कपड़े ठीक रहेंगे, आप रख लो जहां मर्जी आप रख लो, क्योंकि जब भी मैं हर हफ्ते कुल्लू जाना ना मैं हमेशा उनके कपड़े फोल्ड करने लगी होती, मम्मी बोलते थे बेचारी जब भी आती है हेली की अलमारी साफ कर रही होती है तो फिर बाद में हमने फिर चेंज कर दिया, पर मुझे सफाई तो फिर मुझे करनी पड़ती है, उन्होंने तो तय लगाने नहीं है। और फिर यहाँ पे मैंने सूट्स रख दिए, शादी से पहले मेरे यहाँ पे जो अपर बाहर है वो होते थे लेकिन अब शादी के बाद काफी सूट्स हो गया तो मैंने सूट्स यहाँ रख दिए, नीचे मैंने गर्म सूट्स रख दिए तय करके, मेरे जो शादी के लहंगे का वो ब्लाउज वो भी है। यहाँ पे मैंने सब अपनी ज्वेलरी रख दी है शादी के बाद, तो इतनी ज्वेलरी ले ली है, इतने सारे डब्बे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक दुकान ही निकाल सकती हूँ। जो मेरे क्रीम वगैरह लगाने के होते हैं वो तो एक किट में ही होते हैं क्योंकि मेरा ट्रैवल इतना ज्यादा होता है कि हो ही नहीं सकता कि मैं घर में कभी एक चीज रख रही हूँ, तो उस किट में ही हमेशा जो भी मेरे डेली यूज के सामान होते हैं वो उसमें होते हैं। देखो आपको याद है आप अगर आपने मेरी एंगेजमेंट की वीडियो या फोटो कहीं देखी होगी तो ये हमने एंगेजमेंट रिंग के लिए खुद से बनाई थी ट्रे, तो ये सोनू दीदी जो मेरे गॉड सिस्टर है उन्होंने मेरी हेल्प की थी इसको सजाने में, तो ये मैंने खुद से बनाई थी। एक्चुअली ये बॉटल्स नीचे पड़ी हुई थी ग्राउंड में तो मैं ऐसे पकड़ के इनको सोचती बैठी क्या करूँ इनका, कुछ करती हूँ। फिर मैंने इसमें एक वाली में व्हाइट पेंट कर दिया और दूसरे वाली में आधा व्हाइट पेंट करके इसमें ऐसे ऐसे गोल गोल करके, फिर उसके बाद लास्ट में इसमें ये हम बोलते ना इसको सेबा वाले धागे तो ये लगा दिए क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक देते हैं हर चीज को, ऐसे एस्थेटिक से लगते हैं। फिर ये हम लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं थिलुगा, तो इसमें ये डाल दिए और इसमें मैंने सूखे हुए फूल डाले जिरेनियम वाले जो फूल होते हैं और उसमें लाइट लगा दी तो फिर रात को ये बहुत अच्छा लगता है। फिर ये भी बर्थडे गिफ्ट है बुद्धा जी की मूर्ति और ये भी बर्थडे गिफ्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे रूम में, पहले मैं इसको डालती हुई दिया है। ये एक्चुअली मेरे दादाजी ने अपने हाथों से बनाई थी ये छोटी सी बक्सी, इसमें वो रखते थे अपने लोहे का सामान क्योंकि आर्ट में उनको बहुत शौक था, वो बहुत सारी चीजें खुद से बनाते थे घर में, लोहे की लकड़ी की, कारपेंटर भी खुद थे, पट्टू बनाते थे खुद, सॉक्स बनाते थे, सब कुछ करते थे, तो उन्होंने अपने जो लोहे का इंपॉर्टेंट सामान था वो इसमें रखा था, तो फिर मैंने मम्मी से मांगा ये बॉक्स मुझे चाहिए तो फिर मैंने भी अपना सामान अब इसमें रख दिया डाल के। पहले मैं सोच रही थी कि इसको कलर करती हूँ कुछ करती हूँ, पर फिर बाद में मैंने सोचा नहीं जैसे दादाजी ने रखा था वैसे रखूंगी। अब इस कॉर्नर के बारे में आपको बताती हूँ, बेड के बारे में भी आपको बताऊंगी लेकिन वो सबसे लास्ट में। ये मेरे सारे बुक्स है ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से की है, जो मैंने मास्टर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन वो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की है, तो मैं बीच में यूपीएससी और एचएससी सब की तैयारियां भी करती रहती थी तो ये सब उसी की बुक्स है। लेकिन फिर स्पोर्ट्स के साथ आपको पता ही है आप एक टाइम तो सोच लोगे कि हाँ आपने पढ़ना है लेकिन फिर स्पोर्ट्स के साथ साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे केवीएस के पिक्चर्स स्कूल के और एक चीज मैंने ये बनाई थी गत्ते की और उसके ऊपर से जो गिफ्ट रैपर होता है वो लगा दिया था ऐसे ऐसे थोड़ा सा कुछ भी, और इसमें मैंने ड्रॉअर भी बनाया था एक तो
यहाँ पे मैंने एक वो लगाया था फूल, जिससे कि मैं निकालूं धागे का, वो पता नहीं गायब हो गया कहीं। मैंने अभी यहाँ रखा क्योंकि फेड हो गया, मैंने ना एक खिड़की के पास रख दिया था वहां पे, और ये ऐसा फेड हो गया। अब ये छोटी छोटी चीजें मैंने इसमें रखी है, भी बैग्स है यहाँ पर, इसमें सब में मेरा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सामान है। ट्राइपॉड्स वगैरह मैंने यहाँ रख दिए। ये देखो, ये एक्चुअल में आपने देखा होगा जब शादी टाइम हल्दी थी मेरी, तो पहले हमने सोचा था क्योंकि मुझे क्राउन पहनना था साथ, अप्सराओं जैसा जो थीम होता है, तो फिर मैंने सोचा था मैं भी वैसे ही करूंगी। मैंने देखा होगा वो फूलों का क्राउन उनके सर पे होता है, तो पहले तो मैंने सोचा था कि ये लगाऊंगी मैं, पर ये था पहले से पड़ा हुआ घर में, लेकिन ये बहुत ही बड़ा लगा था देखो तो ये बहुत बड़ा था। तो फिर फाइनली चंपा मासी के घर में येलो फ्लावर्स थे, रोज छोटे छोटे, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था इंस्टाग्राम पे कि आपने कैसे बनाया था वो बैंड, तो ये जो ब्लैक वाला बैंड नहीं होता था तार वाला ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो उसमें ये फूल लगाए थे, फिर एक क्राउन बनाया था। और ये BTS, जब मैं कोरिया गई थी तो इतने सारे गिफ्ट दिए थे ना उन्होंने BTS के, यहाँ पर भी BTS के बैग पड़े हुए, इनमें भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। ये नाना जी के घर की है, ये बंदर मुझे याद है, और ये भी नाना जी के वहाँ है, और ये है हम गए थे पिकनिक में उधर सोलांग के पीछे, दुपट्टे ले गए साथ में, फिर वहां जाके साड़ी लगा के। अगली फोटो ये है जिसमें मामा जी साथ में या नीचे ग्राउंड में ये फोटो खींची है, पहला फोटो शूट था चंडीगढ़ में, तो ये तब की फोटो है। तो चलिए अब इस वाली दीवार की बारी आती है, खाली पेंटिंग नहीं, सबसे पहले यहाँ दिखाती हूँ आपको तो ये वाली टी शर्ट है अरिजीत की, चंपा मासी का जो छोटा बेटा जो पिछले व्लॉग में था जिसका बर्थडे था, तो उसकी टी शर्ट ही मुझे इतनी अच्छी लगी ना, कूल जस्ट लाइक डैडी, तो मैंने ये तब से लेकर यहाँ लगाई, और हिली नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल भी, मतलब मैंने इसमें डबल साइड टेप लगाई थी तब से लेकर, ना ये कभी ऐसा हुआ कि निकल रही है मुझे बार बार लगानी पड़े, ये बस सेट की सेट है। यहाँ पे मैंने ओम बनाया था, एक्चुअली इसमें मैं वो आर्ट करना चाहती हूँ, वो जो मंडला आर्ट होती है छोटी छोटी वाली, जब मुझे टाइम लगेगा अगली बार तो मैं वो इसमें बनाऊंगी। वाली जो स्केच है ये मुझे मित्तू भाई ने बना के दी थी, मतलब बर्थडे में गिफ्ट, आप देख सकते हैं काफी अच्छे कलाकार है। ये मेरा यूथ विंटर ओलंपिक्स की फोटो है, ये भी मैंने ऐसे शटर स्टॉक से ऐसे प्रिंट कर दी है गूगल से। और ये कुछ है, देखो ये वो है भोजपत्र, ना भोजपत्र ही बोलते ना, ये मेरी फ्रेंड है इजिप्ट से, उसका लेटर था ये, हम स्विस विंटर कैंप में साथ थे, तो फिर उसने लास्ट में मुझे लेटर दिया था, तो आपको पता होगा ये भोजपत्र क्या होता है, जो पेड़ से निकाल के जो पुराने जमाने में लिखते थे ना इसके ऊपर ना, अंजुम दीदी ने बैग दिया था ये, उन्होंने पेंट किया है और उनका साइन भी है इसमें। और ये लाक्स का मेरा पहला जो स्विस विंटर कैंप था 21 में, वहां का मेमोरेबल बैग। और ये एक मैंने एक बनाया था एक टाइम पे लॉकडाउन में, तो इसमें मैंने फ्लावर्स लगाए थे, वो सूख गए हैं, पर मुझे अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि फ्लावर्स लगाएंगे क्योंकि कम जगह है ना, तो उस वजह से वो सूख रहे हैं, तो ऐसा कुछ देखना पड़ेगा या मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स इसमें लगाने पड़ेंगे। टूडू, और ये जब मालदीव्स गई थी मैं, मतलब खरीद के लाई थी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे किले दिखेगी क्योंकि मैंने पहले ना ये रूम बहुत ऐसा भरा हुआ होता था, हर जगह कुछ ना कुछ लगाया होता था, तो पिछले साल ही मैंने थोड़ा बहुत खाली किया है। ये धागे से बनाया था, ये वुलन धागा है जो जिसे हम सॉक्स बनाते हैं, और ये है सेब की लकड़ियाँ लगी हुई है, जिरेनियम वाले जो फूल होते हैं उनके पत्ते ऐसे सुखा के मैंने ऐसे बना दिया था, मुझे क्यूट लगा, तो मैंने शायद हॉल से उठा के लाई है आपको। ये सब मैंने यहाँ पे स्टिकर्स लगाए हुए हैं, पता नहीं कितने साल पहले न्यूजीलैंड से ये लाया था वर्ल्ड स्नो डे का, ये श्लामिंग ऑस्ट्रिया वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का, और ये सब ऑस्ट्रिया न्यूजीलैंड ये सब। और ये छोटी सी प्यारी सी फेरी मैं स्विट्जरलैंड से लाई थी, एक्चुअली मैं ये नीचे हॉल में था, पता नहीं पापा ने, मतलब पापा ने कहीं से लाया था कि कहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मतलब असली जो फ्लावर होता है उसको, रोज है ये, उसको सुखा के जो बनाया है। और ये छोटा सा क्यूट सा बैग मैंने यहाँ रखा हुआ है जो कि मैं कभी उठाती नहीं हूँ, पर मुझे ऐसे ही लटका हुआ अच्छा लगता है। और ये मैं न्यूजीलैंड से लाई थी, एक्चुअली मैं ये फ्रेम करने के लिए था, पर मुझे फिर ये ऐसे ही अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे सीलिंग में लगा दिया, और कुछ बैच पिंस इसमें लगा दिए। और भी पहले बहुत सारी चीजें थी, देखो मैंने निकाल दी है। और यहाँ इस बार मैंने शादी की फोटो रखी है लगा के। पाती फाइनली बेड वाले एरिया की बारी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ पर्दे की स्टोरी। पाती फाइनली बेड वाले एरिया की बारी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ पर्दे की स्टोरी जो ये साइड में मैंने लगाए हैं। एक्चुअली ये तो
मस्किटो के लिए होता है उनसे बचने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे ये सुंदर लगते हैं। मैं मनाली गई, मैंने वहां से ये लंबे लंबे पत्ते लाए, तो फिर बाद में कि उसको इनको लगाया कैसे जाए। फिर एक्चुअली में मनाली में हमारी पहले एक शॉप थी, तो वहां पे जो होता नहीं हैंगर लगाने के, जिसमें देखो कपड़े रखे होते हैं स्टैंड, जो गोल सा होता है, तो वो वहां पे था। मैं चढ़ जाती हूँ बेड पे, तो वो वहां पे था। और ये देखो जो ऊपर वाला जो रिंग आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो ये वाला रिंग होता है देखो हैंगर स्टैंड में। तो मैंने ये लाया, मेरे बड़े पापा है गाँव में, उनको मैंने बुलाया कि इसको किस तरह से ऊपर फिक्स कर सकते हैं। फिर साइड साइड में इसमें ऐसे कड़ियां लगाई है ऊपर को सीलिंग में, फिर बीच में ये लाइट भी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्योंकि इसमें देखो ये ऐसे बीच में क्रॉस भी ना प्लस बना हुआ है, तो ये लाइट तो कैसे लाइट के ऊपर आ जाता, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ टिकना। तो फिर इस लाइट को पहले निकाला, उसके बाद इस लोहे को फिक्स किया, और उसके बाद ये इस लाइट को लगाया हुआ यहाँ पे, तो ऐसे जुगाड़ किया। फिर दूसरी बार फिर मुझे एक प्रॉब्लम आई कि अब जो ये पर्दा होता है, देखो अगर हम नॉर्मली एक पर्दा बनाए तो उसको घुसाया कैसे जाए, क्योंकि इसमें तो कोई मतलब ऐसा कट नहीं है जहां से कि हम पर्दे को अंदर डालें। फिर अब देखो इसमें कोई कट तो था नहीं, सब कुछ बिल्कुल बंद था, तो तब पर्दों में मैंने ये लगवाया चिप्पिया, ताकि मैं इसको इसमें लगा सकूं। पर अच्छा है ये लगाया यार, तो आपने देखा था यार तक नहीं। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि साइड वाले पोल्स की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये जो खिड़की के पर्दे हैं इनकी पाइप्स है साइड में, तो मैंने ऐसे ऐसे करके डाल दिए और मेरा काम भी हो गया और मुझे जैसे पर्दे चाहिए थे वो भी हो गए। कहीं भी मैं जाती हूँ ना, तो मेरे को बहुत शौक है ऐसे सॉफ्ट टॉयज लाने का, तो मैं हर जगह से कहीं ना कहीं से खरीद के लाती हूँ। सबसे खतरनाक है तो ये मैं न्यूजीलैंड से लाई थी, आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड में शीप्स काफी फेमस है। पर ये भी बर्थडे गिफ्ट है, ये वाटर बॉटल और ये देखो मैचिंग मैंने खरीदे थे वहां से, कोजा है ना मनाली में, अभी कुछ सालों पहले निकला है वो, कोरियन है या जापानी मतलब ब्रांड, तो ये वहां से लाए थे लेके। यहाँ एक बुक रखी है मैंने, जो जब भी मुझे टाइम लगे मैं देखती रहती हूँ, अल्पाइन वर्ल्ड्स की चैंपियनशिप को, सब वर्ल्ड चैंपियंस हैं जो भी स्कीइंग के, वो सब की फोटो यहाँ लगी हुई है। इस तरह का होता है जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है ना, तो वैसा ही हमारा जो स्कीइंग का फिनिशिंग एरिया होता है। और पता क्या, जब भी जैसे शादी से पहले मेरे फ्रेंड्स आते थे, तो हम अगर उनको बोलते थे ना जैसे गेस्ट रूम में यहाँ सो जाओ, नहीं भाई सब ने यही सोना है, चाहे एक ही बेड में सोएंगे हम सारे, तो कई बार होते थे हम इतने पांच पांच भी इस बेड पे सोते, मतलब हमारा जो फ्रेंड सर्कल रहा है वो ऐसा रहा है कि हमारे घर में ना बहुत बार जैसे कुछ सेलिब्रेशन पार्टी बर्थडे कभी कुछ कभी कुछ, तो बहुत बार सारे फ्रेंड्स आए हैं यहाँ, तो बाहर वाले कमरे में गिन के दो सोएंगे, बाकी सब यहाँ आके यहाँ नीचे गद्दे लगा के हम सब एक जगह सोएंगे, तो बहुत बहुत सारी आते हैं इस रूम से। हाँ ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने यहाँ बिछाया क्या क्या, तो ये है निम्दे, निम्दे बोलते हैं हम इनको, तो ये वूल वुलन है और ये काफी गर्म होते हैं, और इसकी खास बात पता क्या होती है कि इसमें मतलब ये गर्म होते हैं लेकिन इसमें पसीना नहीं निकलता है। तो जो ये वाली मैट है, तो ये मुझे इतनी पसंद है, मैं हमेशा बार बार धो के ये बिछाती हूँ, मतलब मैं मम्मी को और कुछ यहाँ बिछा नहीं देती हूँ। देखा होगा मेरी शादी की वीडियो अगर आपने देखी होगी, जहाँ पर हमने एक हेली और मैंने एक दूसरे को जयमाला पहनाई है, तो वहां पर भी मैंने यही बिछाया था। कैसा लगा आपको मेरा रूम? ऑलमोस्ट रूम टूर हो गया है फाइनली, तो हमने रूम टूर कंप्लीट कर लिया, आपको कैसा लगा? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ऐसा ही प्यार आपका हमें चाहिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग्स लेके आए। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।